कब तक आपको फिल्म टाइटल है, तो आखिर कब तक ये फिल्म रिलीज होगी बता दीजिए? ये रिलीज होगी अप्रैल सेकेंड वीक में। इतना जल्दी फास्ट? जी हाँ, हम लोग काफी फास्ट काम कर रहे हैं इसके पीछे। कहानी क्या है आखिर कब तक? कहानी वही पुरानी है जो सदियों से चलता आ रहा है, दहेज प्रथा, हिंदू मुस्लिम बीच जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, क्यों होता है, इन सब कारणों को पिरोया गया है। और तो अभी जो शूट हो रहा था, वो गाड़ी से निकल रहे थे नेताजी, क्या वो क्या सीन था, तो उसके बारे में? सीन ये है कि हमारे यूपी के गांव में अभी भी देखा जाता है कि सड़क बनाने के लिए, विधवा पेंशन, इन सबों का पैसा वहाँ के मुखिया, ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, खा जाते हैं। तो वो वीडियो ऑफिस जा रहे होते हैं अपना एक बिल पास कराने के लिए, जहाँ उनका दामाद होता है और चाहता है कि गलत काम करके कैसे भी पैसा ले लिया जाए, वापसी मार चुटकी खा जाया जाए। तो वही सीन था उनका। कलाकार इसमें विनय राणा जी हैं, अजय प्रताप सिंह हैं, सुजान सिंह हैं, हबीब भाई हैं, और मनीषा सिंह, धीरज पंडित, आदित्य मोहन, लगभग सब नए कलाकार हैं, टीवी सीरीज वगैरह किए हैं। बॉलीवुड में आपकी पहली फिल्म है और काफ़ी बॉलीवुड में कंपटीशन होता है, आपका कुछ कंपटीशन है किसी से? नहीं, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, ये हमारी पहली फिल्म है, कंपटीशन तो नहीं कह सकते। हाँ, अब तक हमने जो कुछ सीखा है बड़ी ही ईमानदारी और लगन से दर्शकों के सामने लाना चाहता हूँ। लगभग 18 से ज़्यादा फिल्में हमने निर्देशित किया, जिसमें 12-13 अच्छी चली भी है, और 4 फिल्में इस साल रिलीज होने वाली है, 3 और करने वाला हूँ। जी हाँ, ये म्यूजिक पक्ष बहुत ही बेहतरीन है, और थीम एक सॉन्ग है जिसको टाइटल सॉन्ग हम बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया गाना बनाया है आर्यन जी ने। जी बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर रहे हैं हमारे ये, और समर्पित है फिल्म बनाने के लिए, प्लस इनका समाज सेवा का भी काम रहा है, तो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई यहाँ सब कुछ नहीं है पैसा, पैसा जरूरी है बट उसके लिए रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए लोगों के साथ। जी धन्यवाद। जी सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। इसमें मेरा कैरेक्टर काफ़ी सीधा साधा इंजीनियर का है, जिसके अंदर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी फैमिली है, घर में बूढ़ी माँ है, पत्नी है, घर के काफ़ी सारे कला हैं जिनको वो सॉल्व करता है, तो ऐसा मेरा कैरेक्टर है। अभी तक तो इंतज़ार में हूँ, शायद नाइट में हम लोग का मेहंदी का कुछ रश्म है, उसमें हम लोग। मेरे साथ इसमें प्रतिभा पांडे हैं जो मेरे अपोजिट हैं, साथ में इसमें विनय हैं, मनीषा हैं, सुजान सिंह जी हैं, और भी काफ़ी अच्छी कास्टिंग है, विनोद मिश्रा जी हैं। ऑफकोर्स देखिए, जब हम लोग जब भी कोई काम करता है, कोई भी कलाकार, तो सबसे पहले वो कहानी को माइंड में रखता है, तो कहानी फिल्म की काफ़ी हटके है, जो होनी चाहिए, एक दहेज प्रथा, हिंदू मुस्लिम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर में क्या होता है, तो कहानी अच्छी थी तभी हमने हाँ बोला करने के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी कहानी है। मिथिलेश जी के बारे में मैं जो भी बोलूँ कम है, वो काफ़ी सीनियर डायरेक्टर हैं हमारे भोजपुरी से, अब हिंदी उनकी पहली फिल्म है, उनको ढेर सारी गुड लक, ग्रेट विशेज, खूब तगड़ी फिल्म बनाए, और जैसे उन्होंने भोजपुरी में अपना एक नाम, एक मुकाम बनाया है, आने वाले टाइम में बॉलीवुड में भी वो काफ़ी आगे निकले और काफ़ी बड़ा एक नाम कमाए। या ऑफकोर्स इसमें क्लाइमेक्स में काफ़ी सारे एक्शन हैं फिल्म में, मेरे ख्याल से मेजर एक्शन क्लाइमेक्स में ही है, जो होलिका दहन टाइप का है, तो काफ़ी सारे प्लानिंग है, जैसे मुझे डिस्क्राइब किया गया है कि वो होलिका दहन चिता में से वाइफ को लेके निकलना, वो इधर आग लगे हुए, तो काफ़ी तगड़े शॉट्स हैं, मुझे खुद इंतज़ार है क्लाइमेक्स का। नो आइडिया, मुझे मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, अब तक मैं मिला भी नहीं हूँ, तो मुझे उनके बारे में कोई आइडिया नहीं। मुझे ये पता है कि भोजपुरी में काफ़ी दिनों से वो काम कर रही हैं और बहुत सीनियर हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है, और इन स्टार्टिंग ऑफ माय करियर मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। धीरज पंडित भी काफ़ी काम किया हुआ है। हाँ, धीरज पंडित भी काफ़ी पुराने हैं इंडस्ट्री में,
मैं तो बोलता ही हूँ कि वो सीनियर हैं, वो शायद चिढ़ते भी हैं कि आदि भाई आप हम लोगों को बूढ़े बना रहे हो, पर ही सीनियर और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उन लोगों से। हाँ, इसके अलावा मैं एक और हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, लाइफ के ट्विस्ट, जिसमें मैं हूँ और डॉक्टर अपूर्वा नयन है जो मॉडलिंग से हैं, साथ में रवि किशन हैं, ओम पुरी हैं, संजय मिश्रा जी, राजू श्रीवास्तव, दैट्स माई लॉन्चिंग मूवी, उसने मुझे लॉन्च किया है। साथ में समीरा रेड्डी भी हैं उस फिल्म में, साथ साथ मैं भोजपुरी भी कर रहा हूँ जिसमें घमासान है किरणकांत वर्मा जी की, साजन का घर है और अब हम तुम्हारे हैं सनम है शाद कुमार जी की, और बाकी मेरा मॉडलिंग रैम तो है ही है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। और मैं इस मूवी में एज ए मेन लीड कर रहा हूँ, मेरा इसमें कॉलेज बॉय का रोल है और म्यूजिक, हाँ इसके पहले मैंने दो फिल्में किया है, दोनों भोजपुरी है, दो हिंदी फिल्में साइन किया है, एक नत्था और द वार्निंग सोल, लगातार जानकी बाजी, और दो हिंदी फिल्में साइन किया है, एक नत्था और एक द वार्निंग सोल। एक्टिंग मैं यहाँ पर 4 साल से मुंबई में, और 1.5 साल थिएटर किया और एल्बम्स किए, मॉडलिंग किया। कॉलेज बॉय, इसमें मेरा कॉलेज बॉय किरदार है जो आईपीएस की तैयारी करता है, और गाने भी अच्छे हैं हमारे साथ, इसमें राम सुजान सिंह, अजय प्रताप सिंह, अच्छे सब एक्टर हैं, मनीषा सिंह उनकी साथ दूसरी फिल्म है। आज मेरा सीन हो चुका है, एक सैड सीन था मेरा, सैड सीन, उनको शादी करने के लिए थोड़ी हमारे फैमिली मान नहीं रही थी, तो इससे कुछ था। थैंक यू। मैं आनंद का करेक्टर कर रहा हूँ जो हीरोइन का भाई होता है और एक पैरेलल लीड है, मेन लीड सीन लीड। नहीं नहीं, आज तो पहला दिन है और इसके जस्ट बाद मेरा ही शॉट लगने वाला है। आप इसके अलावा और कुछ कर रहे हैं? हाँ जी, मैं एक भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ, बम बम बोल रहा है काशी, जिसमें दिनेश जी हैं और उसमें मैं मेन नेगेटिव कर रहा हूँ। मैंने दो भोजपुरी फिल्में की हैं और दो हिंदी फिल्में की हैं, और हिंदी फिल्म जो है कि वो पोस्ट प्रोडक्शन में है, नो एग्जिट ये मेरी दूसरी हिंदी फिल्म है, तो मैं इससे बहुत खुश हूँ और आगे बारे में सोच रहा हूँ। मेरे अपोजिट में है, हाँ मेरे अपोजिट में है बंगाल की मधुमिता सरकार, वो एक ऐसा होता है कि मैं जो ये फिल्म है दहेज पे है, दहेज पे बेस्ड है, तो मैं दहेज के लिए, मैं उस हीरोइन का भाई बना हूँ, तो दहेज के लिए मैं पैसे कमाने शहर जाता हूँ, तो मेरे बॉस का कैरेक्टर कर रही हो, जिस ऑफिस में मैं एम्प्लॉय हूँ तो वो उसमें मेरी बॉस बनी है, और धीरे धीरे इम्प्रेस होती हैं, फिर लव करने लगती हैं। ओके, थैंक यू। देखिए, ये जो मूवी जो बना रहे हैं, आज समाज में जो कुरीतियां हैं उनको हम लोग समाज के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये चीज जो है दहेज, हम लोग बेसिकली इसमें है दहेज प्रथा के अगेंस्ट में, दहेज प्रथा जितने भी आज समाज की, इतने आदमी पढ़े लिखे हो गए, समाज चेंज होते जा रहा है, तो पर दहेज अभिशाप बनते जा रहा है, तो पर उसकी कोई कमी नहीं रही, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें कि भाई आप दहेज के विरुद्ध में कुछ बोले, और इस दहेज इस फिल्म में केवल लड़कियां ही प्रताड़ित नहीं हो रही, यहाँ पर लड़के वाले भी प्रताड़ित हो रहे हैं, आप बहुत सारे टीवी में इंटरव्यू वगैरह भी देखते हैं और सही में देख रहे हैं कि वहाँ पर उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक विषय बनते जा रहा है समाज में, तो हम समाज को चेंज करने के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास एक मैसेज जाए कि भाई आज समाज चेंज हो गया, हम लोगों को भी उसमें चेंज होना चाहिए, प्लस हिंदू मुस्लिम में जो आज कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं
प्राइज नेता कर देते हैं, कभी कोई अपने स्वार्थ के लिए कर देते हैं, उसको नहीं होते हुए, लेकिन आज गांव में जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम परिवार भी उतने ही मिल करके रहते हैं जो शहर के आदमी नहीं समझ सकते, जो हम लोग ने उसको इस पर प्रेजेंट किया। देखिए बेसिकली हम बिजनेसमैन हैं और नबी मुंबई में हम पिछले 35 साल से रहते हैं। वैसे मेरा हम रहने वाले बिहार से हैं, लेकिन अब तो यहाँ कर्मभूमि तो ये हो गए, मातृभूमि जन्मभूमि रही बिहार, लेकिन अपने कर्मभूमि तो बम्बई हो गए, है ना। 35 साल से न्यू गांव में रहते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं और ये फिल्म उसी को लेकर के हम यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। और ये मेरा कॉन्सेप्ट था, इस फिल्म को हम, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको हम समाज के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपकी इस फिल्म की पहली शूटिंग आज, जी आज की शूटिंग आपको कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। सभी जितने भी हमारे यूनिट के जितने भी हैं, आर्टिस्ट हो या टेक्नीशियंस हो, सब भाई की तरह। आगे कहाँ-कहाँ ये शूटिंग होने वाली है इस फिल्म की? पहले तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, फिर 10 दिन हम लोग करजत में करेंगे, फिर यूपी में है कुछ, है ना, तो यूपी में 2-3 लोकेशंस पर है, उसके बाद खत्म। कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हम इसको खत्म रिलीज कर रहे हैं। और ये मूवी जो बना रहे हैं एकदम साफ सुथरी सामाजिक फिल्म है और इसको टैक्स फ्री, कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स फ्री हो जाए, बाकी पब्लिक के हाथ में। थैंक यू।